जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एल एन जियोग्राफी यू जी सी नेट जेआरएफ में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं अर्बन जियोग्राफी यानी अर्बन सेटलमेंट की बात कर रहे थे, और लास्ट क्लास में हमने कुछ अर्बन के इंटरनल जो स्ट्रक्चर होता है उसके मॉडल से संबंधित जो है बात की थी। उसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं एक और मॉडल की, अर्बन इंटरनल स्ट्रक्चर का, कि जो अर्बन का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें उसका कैसे इंटीरियर पार्ट होता है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं एक और मॉडल अर्बन इंटरनल स्ट्रक्चर का, आइए बात करते हैं। हियर इज अर्बन इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी जो आपका जो है अर्बन एरिया होता है, ठीक है, यानी जो अर्बन एरिया का जो इंटरनल भाग होता है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। हम लोगों ने इसके पहले कई मॉडल देखे, जिसमें हमने बर्गिस का मॉडल देखा था, कंसेंट्रिक जोन थ्योरी, उसके बाद हमने होमोरहाइड का देखा था, त्रिज्यखंड सिद्धांत यानी सेक्टर थ्योरी, और बाद में हमने हैरिस और उल्मान मॉडल देखा था, जिसमें हमने देखा था कि उन्होंने बताया था कि जो नगर होते हैं उनमें एक जो है न्यूक्लियाई नहीं होता है बल्कि मल्टीपल न्यूक्लियाई होते हैं। ठीक है, उसी क्रम में एक और मॉडल है जिसका नाम है एक्सपोलिएटिव मॉडल, यानी सोंफण का सिद्धांत इसको कह सकते हैं, या सोंफण का मॉडल। इसको किसने दिया था? विलियम गुंगी ने दिया था। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना, ये क्या है, सोंफण का सिद्धांत कहिए या इसको बोलिए सोंफण का मॉडल। ठीक है, किससे रिलेटेड है ये? ये है अर्बन इंटरनल स्ट्रक्चर से रिलेटेड, सोंफण का सिद्धांत या सोंफण का मॉडल। ठीक है, इसमें क्या इन्होंने बताया, इन्होंने बताया कि जो कोई शहर होता है, ठीक है, तो शहर को इन्होंने तीन लेयरिंग में बांट की। पहला लेयर होता है उसे कहते हैं द सिटी ऑफ डेथ, यानी मृत्यु का नगर। ठीक है, इन्होंने इसको हिंदी में बोला कि पहला जो लेयर होता है उसको बताया मृत्यु का नगर। ठीक है, दूसरा इन्होंने बताया द सिटी ऑफ नीड, यानी आवश्यकता का शहर, या आवश्यकता का नगर। ठीक है, या आवश्यकता का शहर, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तीसरा इन्होंने बताया द सिटी ऑफ सुपर फ्लूटी, ठीक है, यानी बहुलता का नगर। बहुलता का मतलब यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सारी चीजें बहुत मतलब भारी मात्रा में, ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। ठीक है, बहुलता का नगर, या इसको कह सकते हो बहुत ही आरामदायक वाला क्षेत्र। ठीक है, तो इन्होंने बताया क्या, इन्होंने बताया कि जो अभी तक हमने देखा था कि कंसेंट्रिक जोन मॉडल में हमने देखा था कि जो EWS बर्गिस थे उन्होंने क्या बताया था कि जो सिटी में जो फंक्शनल एरिया पाए जाते हैं, कार्यात्मक क्षेत्र पाए जाते हैं, वो कैसे होते हैं, कंसेंट्रिक जोन में होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है सेक्टर थ्योरी में हमने देखा कि होमोरहाइड ने बताया सेक्टर वाइज होते हैं, और न्यूक्लियस थ्योरी में हमने देखा मल्टीपल न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, इसमें जो विलियम बुंगी महोदय थे इन्होंने बताया सोंफण के मॉडल में कि जो नगर का जो स्ट्रक्चर होता है वो तीन भागों में होता है। वो पहली बात तो वो क्या होता है कि सेमी सर्कुलर होता है। क्या होता है? सेमी सर्कुलर होता है। ठीक है, इसमें ये ऐसे होता है, उसके बाद ऐसे, और ये इस तरीके से तीन लेयर में क्या होता है, वो बटा होता है। जो ए लेयर वाला होता है उसको बोलते हैं द सिटी ऑफ डेथ, जो बी लेयर होता है उसको बोलते हैं द सिटी ऑफ नीड, और जो सी लेयर होता है, ये वाला लेयर होता है, उसको बोलते हैं द सिटी ऑफ सुपरफ्लूटी। क्या होते हैं? द सिटी ऑफ सुपरफ्लूटी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू बुंगी, विलियम बुंगी, इन्होंने बताया जो सिटी ऑफ डेथ होता है इसमें जो रहने वाले लोग होते हैं वो दो तरह के टैक्स पे करते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं? दो तरह के टैक्स पे करते हैं। एक टैक्स पे करते हैं मशीन टैक्स, दूसरा पे करते हैं डेथ टैक्स। ठीक है, मशीन टैक्स क्या होती है? मशीन टैक्स कहते हैं उसे जिसमें जो सिटी ऑफ डेथ में रहने वाले लोग होते हैं इनका जो बेज रेट होता है वो बेज रेट क्या होता है? काफी कम होता है। ठीक है, बेज रेट क्या होता है? काफी कम होता है। इसलिए इन्होंने क्या कहा कि ये कौन सा टैक्स पे कर रहे हैं? मशीन टैक्स पे कर रहे हैं। ठीक है, उसी को इन्होंने बुलाया, जो बेज रेट जो उनका होता है, जो भी मजदूर होते हैं उसमें उनका बेज रेट काफी कम होता है, इसलिए इसको इन्होंने बोला कि ये क्या है? मशीन टैक्स है। दूसरा इन्होंने एक टैक्स की बात की, डेथ टैक्स की, यानी जो ये वाले एरिया में रहते हैं, यानी इस वाले एरिया में रहते हैं, ठीक है, जिसको उन्होंने आप डेथ बोला, इसमें ये दूसरा टैक्स पे करता है जो रहता है डेथ टैक्स, यानी जो भी गुड्स एंड सर्विसेज मिलती हैं। ठीक है, ठीके? जैसे आपको जो भी यहाँ इनको फूड ग्रेन हुआ, यानी अनाज इनको लेना हुआ, ठीक है, या दैनिक जीवन से संबंधित वस्तुएं लेनी हुआ, टूथपेस्ट हुआ, या जो है इनको दूध लेना हुआ, ठीक है, चाय पत्ती हुआ, शुगर हुआ, जो भी जो देखा जाए, जो भी इनको जो दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं लेनी है, ठीक है, यानी गुड्स या जो सर्विसेस इनको मिलती है, ठीक है, वो क्या होती है? काफी
हाई लेवल की होती है, यानी कॉस्टली होती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं एक तरफ इनको क्या है, वेज रेट बहुत ही कम मिल रहा है, दूसरी तरफ जो प्राप्त करना चाहते हैं वो क्या है, उसका रेट काफी हाई है। ठीक है, इसीलिए इस एरिया में, ए वाले एरिया में रहने वाले लोगों को क्या बोला गया, ये कौन सा है, ये द सिटी ऑफ डेथ का एरिया है, यानी ये क्या है, मृत्यु का नगर है, यहाँ में रहने वाले लोग जिंदा तो नहीं बचने वाले। जिंदा कहने का मतलब ये है कि ये काफी क्या होंगे, लोग पुअर फैमिली के लोग होंगे, इसलिए इसमें लिखा भी गया लग गया है कि जो इसमें रहने वाले लोग होते हैं वो काफी क्या होते हैं, पुअर होते हैं एंड एक्सप्लॉयटेड होते हैं, यानी इनका क्या होता है, काफी शोषण होता है, क्योंकि इनको एक तरफ वेज रेट भी कम दिया जाता है, दूसरी तरफ ये सिटी के इस एरिया में रहते हैं, इसलिए इनको जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं उसका कास्ट क्या होता है, काफी ज्यादा होता है। इसलिए इस वाले रीजन को आपके विलियम बिंगी महोदय ने क्या बोला कि ये क्या है, सिटी ऑफ डेथ है। ठीक है, इस एरिया को क्या बोला, सिटी ऑफ डेथ बोला। दूसरे को उन्होंने बोला सिटी ऑफ नीड, यानी जो बी वाले एरिया में रहता है इसको उन्होंने बोला कि ये आवश्यकता का नगर है। क्यों कि ये केवल क्या पे करता है, मशीन टैक्स पे करता है, यानी यहाँ पर रहने वाले जो लोग होते हैं उनको बेज रेट क्या मिलता है, उनको बेज रेट तो कम मिलता है। ठीक है, लेकिन उनको जो गुड्स, जो बेज रेट इनको मिलता है वो कम मिलता है, लेकिन जो इनको गुड्स ऑन्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं उसका रेट क्या होता है, एक की तुलना में कम होता है। इसलिए ये मशीन टैक्स तो पे करते हैं लेकिन डेथ टैक्स इनको पे नहीं करना पड़ता है, इसलिए इनकी जो कंडीशन होती है एक की तुलना में थोड़ा सा अच्छी होती है, इसलिए इसको बोला गया द सिटी ऑफ नीड। ठीक है, इसमें कौन से लोग होते हैं, मिडिल क्लास इनकम ग्रुप के लोग होते हैं, जिनकी जो इनकम होती है एक की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा होती है। ठीक है, साथ ही साथ इसमें वर्किंग क्लास जोन के भी होते हैं जो क्या करते हैं, दैनिक बेसिस पे कार्य करते हैं। तो जो दूसरा वाला एरिया है उसको इन्होंने क्या बोला, द सिटी ऑफ नीड, यानी आवश्यकता का नगर। जो तीसरा वाला एरिया है इसको इन्होंने बोला द सिटी ऑफ सुपर फ्लोटी, यानी बहुलता का नगर। तो यहाँ पे लोग रहते हैं, ये तो ये क्या होता है कि ये ना तो मशीन टैक्स पे करते हैं ना तो डेथ टैक्स पे करते हैं, क्योंकि ये सबसे शहरी आउटर एरिया में रहते हैं, आउटर इन द सेंस की बाहरी एरिया में रहते हैं, इसलिए ये क्या होता है कि इनको बेज रेट ज्यादा मिलता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कैसे लोग रहते हैं, हाई इनकम ग्रुप के लोग रहते हैं, कैसे लोग रहते हैं, हायर क्लास के लोग रहते हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, ठीक है, या प्रोफेसर हो गए, तो ये सब लोग कहाँ पे रहते हैं, सी वाले एरिया में रहते हैं, यानी इनके जो बेज रेट मिलता है काफी क्या होता है, इनका जो डेली बेसिस अगर बात किया जाए या इनकी सैलरी बात किया जाए तो काफी क्या होती है, हाई होती है। इसलिए ये क्या होता है, ना तो ये मशीन टैक्स पे करते हैं और ना तो ये क्या करते हैं, डेथ टैक्स पे करते हैं, यानी इनको जो गुड्स मिलता है वो एक की तुलना में काफी क्या होता है, चीप होता है, यानी सस्ता होता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला गया कि द सिटी ऑफ सुपर फ्लोटी, यानी बहुलता का नगर है, यहाँ पर हाई इनकम ग्रुप के लोग रहते हैं। जो हाई इनकम ग्रुप के लोग होते हैं उनकी संख्या तो आपको पता है कि क्या होती है, बहुत ही कम होती है, ज्यादा भी क्या होती है, नहीं होती है। तो इतनी विशेषताएं इनके मॉडल में याद रखनी है, आपको एग्जाम में इस मॉडल ये पूछा जा सकता है कि किसने दिया, साथ ही साथ इसकी लेयरिंग पूछी जा सकती है, ये फिगर बना दिया जाएगा एग्जाम में और आप इसमें यहाँ पर लिख दिया जाएगा कि ये क्या है, ये सिटी ऑफ डेथ है, या आपको यहाँ पर सिटी ऑफ डेथ दे दिया जाएगा, यहाँ सुपर फ्लोटी दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि बी वाला जो एरिया है उसको किस नाम से जानते हैं। ठीक है, आपको सारी विशेषताएं याद होनी चाहिए कि ये में लो इनकम वाले लोग रहते हैं, बी में मिडिल इनकम वाले लोग रहते हैं और सी में हायर इनकम वाले लोग भी रहते हैं। केवल आपको लेयरिंग ही नहीं, जो उसकी विशेषताएं हैं वो भी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि जो एग्जाम में पूछा जा रहा है थोड़ा सा वो क्या कर रहा है, घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है, बाकी क्वेश्चन वही पूछ रहा है, आपके व्यवहारिक नॉलेज से जोड़ कर पूछ देगा क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए आपको क्या करना है, वी अवेयर रहना, ये मॉडल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है वो केवल ये पूछा गया है कि एक्सपुलेटिव मॉडल जो है, सोफर का जो मॉडल है या सिद्धांत है, वो किसने दिया है, हो सकता है आने वाले एग्जाम में इसकी लेयरिंग की भी बात कर ली जाए। ठीक है, तो आप लोग इससे क्या रहिए, तैयार रहिए। तो वीडियो कैसे लगा कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है, ऑल द बेस्ट।